अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। तो हम कह रहे थे इसी जी हमारे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में उसी को आगे बढ़ाते हैं, कार्डिक एक्सिस की हमने बात की थी। अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हमारे पास जिसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं, जिस स्ट्रीट के डायरेक्शन में उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है, इसी बात को जरा और रिफाइन करके और थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको कभी भी ना भूले कि हम एक्जैक्टली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं। ये बस छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, अभी आपके बिल्ड हो जाएंगे ना, आई बेट यू कि इंशाल्लाह आपको कभी भूलेंगे भी नहीं और आपको बहुत अच्छे से ईसीजी समझ भी आ जाएगी। तो कहानी कुछ होगी, ये मेरे पास जो बंदा है, बंदे को हमने जो लीड्स लगाई थी, अभी हम लीड 1, 2 और 3 की बात करेंगे जो कि मेन लीड्स है हमारी, ठीक है। उसमें लीड 1, 2 और 3 के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स है ना, एक ये राइट आर्म वाला, एक लेफ्ट आर्म वाला और एक लेफ्ट लेग वाला। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो लीड 1 मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट करती है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म का टोटल, ठीक है, राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म था, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे ही ना, ये यहां से यहां तक जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी आपके, अच्छा, हर लीड को जो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उनमें एक इलेक्ट्रोड उस लीड के लिए नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बात याद रखने की, कभी भी दो चीजें एक जैसी साथ नहीं रह सकती। मैंने अगर कहा कि लीड 1 को 2 इलेक्ट्रोड्स मिलकर प्रेजेंट करते हैं, एक यहां वाला एक यहां वाला, तो एक इलेक्ट्रोड इस लीड के लिए नेगेटिव के तौर पर एक्ट करेगा, एक पॉजिटिव के तौर पर। ये नेगेटिव और पॉजिटिव देने का मकसद ये है कि जब हम, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें, मैं भी आपको चलिए आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की। फिलहाल इतना याद रखने कि हमारे पास, हमने जो इलेक्ट्रोड्स मिलके एक लीड बना रहे थे उनको एक लाइन की तरह ड्रॉ कर लिए, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ एक लाइन जिस तरह जाएगी ना, यहां से यहां इस तरह मैंने यहां कर लिया, दिस इज नेगेटिव। ये वाला इलेक्ट्रोड जो होगा, जो राइट आर्म वाला, ये नेगेटिव के तौर पर एक्ट करेगा लीड 1 के लिए, और जो लेफ्ट वाला है वो पॉजिटिव के लिए, ठीक है। दिस इज लीड 1। लीड 2 हमारी जाती है राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ इस तरह, तो इसके लिए कैसे डायरेक्शन बनेगी, इस तरह करके, ठीक है। लीड 2 के लिए भी आपका ये वाला जो राइट आर्म है, ये नेगेटिव के तौर पर एक्ट करेगी, और जो लेफ्ट लेग है वो पॉजिटिव के तौर पर एक्ट करेगी, तो दिस इज योर लीड 2, ठीक है। और आपका आखिरी रहेगी लीड 3। लीड 3 आती है लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ ऐसे करके, ठीक है। लेफ्ट लेग के लिए आपका जो ये आर्म है, ये नेगेटिव के तौर पर एक्ट करती है और ये पॉजिटिव के तौर पर, ठीक हो गया। तो हर लीड के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव हमने नंबरिंग या हमने इनको जो दिया है ये हिसाब किताब, ये सीधा से दिया है कि अगर अब मैं आपको करंट की डायरेक्शन का बताऊंगी ना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि करंट फ्लो हार्ट में कर रहा है, साइनोएट्रियल नोड से शुरू होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर से नोड में आता है, इसी वक्त फौरी तौर पर पहले राइट एट्रियम आपका डीपोलराइज होता है, साथ ही इधर से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, दोनों एट्रिया डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एट्रिया जब डीपोलराइज होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास ईसीजी पे पी वेव आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद ये इधर सेंटर में आएगा, ये कौन सी जगह, आपकी बंडल ऑफ हिस। उसके बाद परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स आपके कोई नए फाइबर्स नहीं होते, ये भी आपके कार्डिक मसल्स की एक टाइप होती है, ठीक है। बंडल ऑफ हिस भी, परकिंजे फाइबर्स भी, और फिर आपके वेंट्रिकुलर मसल में चला जाता है करंट इस तरह करके। अच्छा, अब इस करंट की जो डायरेक्शन है, इसका अगर हम एक नेट एवरेज एक्सिस निकालें, नेट एवरेज का मतलब है कि अगर मैं इसकी टोटल डायरेक्शन को प्लॉट करूं, मैं यहां पर प्लॉट नहीं करना चाह रही, खराब हो जाएगा बाहर, टोटल डायरेक्शन को प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से, लेकिन ओवरऑल एक एवरेज से अगर मैं इसका एक्सिस बनाऊंगी तो उसकी डायरेक्शन बनती है तकरीबन यू करके, इस तरह इस डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट ऐसे करके बनती है। हमारे पास जब मैंने ये ट्राइंगल अब ड्रॉ कर लिए, अब मैं किसी भी लीड में डिफ्लेक्शन इस तरह से करूंगी कि जब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगी, तो जिस तरह मैथ्स में हम करते थे, अगर मैं इस तरफ आपको जरा से एक्सप्लेन करूं, मैथ्स में हम करते हैं उस रूल को याद रखें कि मेरे पास अगर ये लाइन है एक, और जो भी लाइन इसके पैरेलल जा रही होगी और इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, सपोज एक मेरे पास लाइन है जो कि यहां से यहां जा रही है, एक और लाइन इसके पैरेलल और इसी डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ की है, अगर इसके साथ और इसकी पैरेलल जाएगी तो जो डिफ्लेक्शन इस लाइन में आएगी, मतलब इस लीड में आएगी, वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। अगर मेरे पास एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल तो जा रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो डिफ्लेक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी नीचे की तरफ। और अगर मेरे पास एक तीसरी लाइन है जो जा रही है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इसके, चाहे डायरेक्शन इधर है या इधर है, लेकिन ये जो हमारी दरमियान वाली मेन लाइन थी इससे परपेंडिकुलर है, तो डिफ्लेक्शन ऊपर नीचे ऐसे दोनों तरह से बराबर आएगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये आपके पास सिलसिला होता है। अब मैं अगर यहां पर प्लॉट करके आपको दिखाऊं तो आपकी डायरेक्शन यू है, ये देखिए जी, इस तरह से आपकी कार्डिक करंट की जो एवरेज डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट ऐसे आ रही होती है ये, ठीक है, ये एक एवरेज एक्सेस है जो कार्डिक हार्ट में चल रहा है। अब इसके हिसाब से जब मैं लीड 1, 2 और 3 की आपको प्लॉटिंग्स बताऊं, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले लीड 3 को एक क्रॉस करें तो लीड 3 को देखते, ये लीड 3 का एक्सेस है, ठीक है, और यही एक्सेस है जो यहां पर भी नजर आ रहा है, देखिए तकरीबन इतनी इसी डायरेक्शन में है ना, यूं तिरछी लाइन है, यहां भी यूं ही तिरछी लाइन है, लीड 2 की यहां ऐसे तिरछी लाइन है, ये ऑलमोस्ट ये वाली लीड 2 है, सॉरी ये ऑलमोस्ट ऐसे है, जाहिर है मैंने 100% एक्यूरेसी से तो ड्रॉ नहीं किया ना, लेकिन अगर आप डायग्राम्स देखते हैं ना जो एक्यूरेट ड्रॉ हुई हुई है,
तो एक अंदाजा आपको बता रही हूँ कि देखिए जो लाइन लीड थ्री की इस तरह आ रही है यहाँ भी इसी तरह आ रही है, लीड टू की लाइन इस तरह जा रही है तो यहाँ भी इसी तरह जा रही है, लीड वन अगर इधर स्ट्रेट है तो इधर भी स्ट्रेट है, ठीक हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ अलग से प्लॉट करके समझने बता दिए। अच्छा कार्डिक एक्सिस इस तरह जा रहे हैं तो इसको मजीद अब आप देखें, लीड थ्री को देखें, ये आपकी एक लाइन है जिसको हमारा कार्डिक एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलरली काट रहा है। तो जब आप लीड थ्री की रीडिंग देखते हैं ना नॉर्मल ईसीजी में, तो उसको किस तरह आना चाहिए, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए ऐसे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यही होता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपकी लीड थ्री में आता है उसमें आपका आर वेव और एस वेव बराबर होती है, इस तरह करके आता होता है, ठीक है, आर और एस में कोई फर्क नहीं होता, आर वेव और एस बराबर होगी। उसके बाद आपके पास आप देखें कि लीड टू इस तरह जा रही है और कार्डिक एक्सिस भी उसी की डायरेक्शन में उसके पैरेलल जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि देखें दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका मतलब लीड टू का डायरेक्शन ये है और हमारे कार्डिक एक्सिस की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, तकरीबन उसके पैरेलल है, मतलब 100% तो नहीं लेकिन जाहिर है मेरी ड्रॉइंग में थोड़ा बहुत फर्क है। इसीलिए लीड टू में सबसे अच्छी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है आपकी आर वेव की, और लीड वन की बात करें तो लीड वन का पॉजिटिव इधर है और हमारे पास एक्सेस उसी की डायरेक्शन में पॉजिटिव जा रहे हैं, तो लीड वन में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है लेकिन लीड टू से थोड़ी कम। तो दिस इज द एक्चुअल बेसिस कि कैसे डिफ्लेक्शन आती हैं। यहीं पर मैं आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप कहते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है, हम कहते हैं बेसिकली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, तो उसमें ये तीन चीजों का क्या मकसद है, मतलब क्यू नीचे क्यों है, फिर एक आर का कॉम्प्लेक्स ऊपर क्यों है नॉर्मल में, और फिर एस नीचे क्यों है, मतलब क्यू आर और एस में जब डीपोलराइज चीज हो रही है तो नीचे क्यों दो चीजें आ गई। तो वही बात फिर से आ जाती है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे उस डायरेक्शन के हिसाब से डिफ्लेक्शन आती है। जब करंट किसी चीज से थोड़ा सा अवे मूव करेगा तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी, उसकी तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव। तो अब मैं दोबारा से आपको यहीं पर बल्कि बताती हूँ इस जगह पर ही कि यहां पर मैंने बना दिया ना हार्ट, सपोज करते हैं हार्ट को सही वाला हार्ट बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये हार्ट बन गया आपका। सबसे पहले जब आपकी एट्रिया से शुरू हुई वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव आपके पास पी वेव आ गई, ठीक है, उसके बाद आपके पास एकदम से सबसे पहले जो चीज यहां पर आके होती है ना डीपोलराइज, वो होती है आपका बंडल ऑफ फिस यानी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दरमियान में उसके बाद सबसे पहले डीपोलराइज होना होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब डीपोलराइज होता है ना तो उसकी जो जाहिर बात है आपका जो राइट वेंट्रिकल का मसल की तरफ से जो सेप्टम बन रहा है और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल जो सेप्टम बना रहे हैं मिलके एक चीज दीवार बनी हुई है ना, इस पूरी दीवार ने पोलराइज होने, इस तरफ जाहिर है जब करंट पीछे से आए और एकदम यहां पर आए तो एक नेट डायरेक्शन करंट की बनती है, वो जो नेट डायरेक्शन बनती है ना उसकी यू करके बनती है, ठीक है। ये जो नेट डायरेक्शन बन रही है इस पर आप परेशान ना होना कि नेट डायरेक्शन यू किस तरह से बन गई है, अगर पीछे से करंट आते हैं हम तो अपनी बहुत सिंपलिसिटी के लिए कह देते हैं कि बस बंडल ऑफ फिस में आ गया, उसके सारे मल्टीपल फाइबर्स ब्रांचेस वगैरह जा रहे होते हैं इधर उधर, तो बस आप एक नेट कार्डिक डायरेक्शन को याद रख लें, तो नेट डायरेक्शन उसकी इस तरह बन रही होती है। अब दिस डायरेक्शन अगर आप इसी एरो को यहां पर प्लॉट करके देखें, इस जगह ऐसे प्लॉट करके देखें, तो ये डायरेक्शन बिल्कुल आपके लीड टू के ऑपोजिट जा रही है, ऑपोजिट जा रही है ना, मतलब ये दो महीने उसके परपेंडिकुलर जाएगी, ऑपोजिट जाएगी। इसीलिए आपके पास अगर नॉर्मल लीड टू में बात करें हम, तो आपके पास सबसे पहले जो डीपोलराइजेशन की वेव है क्यू वेव वो नेगेटिव आती है। तो आपसे कोई पूछेगा क्यू वेव नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब आपका बंडल ऑफ हिस आपका इंटरवेंटिकुलर सेप्टम जब डीपोलराइज होता है तो वो राइट साइड पे मूव करता है करंट, और राइट साइड पे करंट मूव करने का मतलब है कि हमारे नॉर्मल एक्सिस से थोड़ा सा ऑपोजिट मूव किया इसलिए नेगेटिव डिफ्लेक्शन आई, आसान लफ्जों में, ठीक हो गया। उसके बाद जब इंटरवेंटिकुलर सेप्टम को डीपोलराइज कर लेते हैं फिर ये सारा नीचे हार्ट मसल्स की तरफ आता है, पर किंजे फाइबर्स की तरफ, और आपका सारा ये एरिया डीपोलराइज होता है, ठीक है। तो ये एरिया में डायरेक्शन उस वक्त जब नीचे आ रहा होता है ये वाली बन जाती है जो नॉर्मल डायरेक्शन है हमारे कार्डिक एक्सिस की, तो फिर आपकी ये जाइंट आर वेव आती है। आर वेव के दोबारा एस वेव क्यों आती है, एस वेव इस वजह से आती है कि जब दोबारा से ये वेंट्रिकुलर फाइबर और मसल्स की तरफ मूव करते हैं फिर इसका नेट डायरेक्शन थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हो जाता है, मतलब जो छोटे छोटे एरियाज रह जाते हैं ना यहाँ यहाँ वाले, वो जब इसे डीपोलराइज करते हैं तो फिर नेट डायरेक्शन हो जाती है राइट की तरफ, दोबारा नेगेटिव डिफ्लेक्शन आती है। तो जब जब डायरेक्शन राइट की तरफ होगी डिफ्लेक्शन नेगेटिव आ जाएगी, दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल, आसान तरीके से मैंने बता दिया, आपसे कोई भी रीजन पूछेगा आपको पता होगा। अच्छा हमारे पास फिर यही रीजन है कि बहुत सारी डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट रीडिंग्स क्यों आती है। अब यहीं पर अगर मैं आपको बता दूं तो नॉर्मल हालात में आप एवीएफ लीड को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी क्योंकि एवीएफ की तरफ करंट आ रहा है, एवीआर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नजर आएगी, एवीएल में देखें आपको नेगेटिव नजर आएगी। आप नॉर्मल इसी से निकाल के देख लें, ठीक है, तो आपको ये सारी इसी तरह से रीडिंग्स नजर आती होती है। अच्छा अब नॉर्मल कार्डिक एक्सिस किन डिग्रीज के बीच में लाए करते हैं, अगर हम इस बात की बात कर लें तो देखें जब हमने कहा कि नेट डायरेक्शन है नॉर्मल कार्डिक एक्सिस की कुछ इस तरह से, ऐसे ही है ना, मतलब तकरीबन मोर और लेस, तो यानी कि आपका जीरो डिग्री से लेकर
तकरीबन 90 डिग्री इसके दरमियान में आपका नॉर्मल कार्डिक एक्सिस लाया करता है। इसी वजह से हमारी लीड टू सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है, एवीएफ और लीड वन में भी किसी हद तक पॉजिटिव ही होती है और लीड थ्री में भी, लेकिन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है एवीआर जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी और थोड़ी बहुत नेगेटिव होगी एवीएल भी। ठीक हो गया जी, तो ये आपका नॉर्मल कार्डिक एक्सेस है। अब हमारे पास दो तरह की डेविएशन होती है, जरा से इनको कर लेते हैं ताकि कार्डिक एक्सेस का सिलसिला खत्म हो और फिर हम अगली इंपॉर्टेंट बातें करेंगे थोड़ी सी और, तो फिर हमारी इंशाल्लाह अगली वीडियो के बाद ईसीजी आपकी सारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास राइट एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास हार्ट पैथोलॉजी में होता है, सपोज करते हैं किसी को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, उसका राइट वेंट्रिकल का मसल बढ़ गया ड्यू टू एनी रीजन, उससे हम अभी ताल्लुक नहीं रखते। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में नाम पता चल रहा है कि राइट साइड ऑफ हार्ट जब बड़ी हो जाएगी ये वाली साइड, तो जाहिर है करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी राइट की तरफ मुड़ जाएगी। जब करंट के फ्लो की डायरेक्शन राइट की तरफ मुड़ेगी और नेट एक्सिस इस तरह से बन जाएगा हमारा, तो मेन जो कार्डिक एक्सिस लाई करेगा वो फिर आपका 180 से प्लस 90 के दरमियान में यहां पर लाई करने लग जाएगा। जो नेट डायरेक्शन है, पहले जो नेट डायरेक्शन इधर जाती है वो इधर आ जाएगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है और राइट वेंट्रिकल अपनी तरफ ब्लड सारा खींच रहा है मसल्स को, उसकी वजह से आपके पास जो लीड्स हैं उनमें चेंज आ जाएगा। किस तरह चेंज आएगा कि आप देखेंगे कि आपकी लीड वन तो इवन नेगेटिव की तरफ चली गई है। ठीक है, लीड वन में आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी, लीड टू भी थोड़ी सी चेंज होगी, इसमें भी थोड़ी सी आपकी कम डिफ्लेक्शन आएगी पॉजिटिव, और आपको सही अच्छी वाली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी लीड थ्री में। तो ये आपके पास लीड्स में मेजर चेंज आता है कि लीड वन इज नेगेटिव, लीड टू भी थोड़ी सी नेगेटिव सी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसके ऑपोजिट हो रही है बात, और लीड थ्री इज टोटली पॉजिटिव अच्छी वाली, ज्यादा अच्छी वाली, जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो ये आपका होता है लीड टू एंड एवीएफ, डेफिनेटली ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। तो अगर आपके पास कभी ऐसा चेंज, मतलब आपके पास आप ईसीजी उठाते हो, ईसीजी में आप लीड वन टू थ्री को ही खाली देख रहे हैं सपोज करते हैं, और आपको नजर आता है कि लीड थ्री में मेजर सा पॉजिटिव कर्व आया हुआ है और लीड टू और वन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो फिर आप उन चीजों की तरफ सोचने लग जाते हैं जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी करती है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बैक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, जो जो भी मसले हैं वो आप सोचते हैं। इसी तरह होता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होगी कि बहुत ज्यादा करंट लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एक्सट्रीम लेफ्ट भी हो गया, मतलब लेफ्ट एंड डाउनवर्ड्स नहीं रहा बल्कि लेफ्ट एंड अपवर्ड्स चला गया। ठीक है, ये भी हो सकता है बहुत सारी पैथोलॉजीज में आपका लेफ्ट एट्रियल, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन इस तरह से हो जाए, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाए, तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, राइट को लिफ्ट ही नहीं कराता। तो उसमें आपका, अब आप यहां पर जब करंट को मूव करेगा तो आपको नजर आ रहा है लीड वन यहां पर है एंड लीड एवीएल यहां पर है, तो लीड वन और एवीएल में आपको मेजर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नजर आ जाएगी और आपकी लीड टू और थ्री नेगेटिव हो जाएंगी और एवीएफ भी। तो अगर आप ईसीजी में इस तरह के चेंजेस नजर आते हैं कि टू थ्री नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और वन और एवीएल पॉजिटिव, इसका मतलब आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर कोई मसला हुआ है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में भी। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत ही मेजर सी पैथोलॉजीज इन एक्सिस डेविएशन से कर सकते हैं इंशाल्लाह विद इन टाइम। ना आपको अगर अभी मुश्किल लग रहा होता है ना, हर बच्चे को इस लेवल पर मुश्किल लगता है कि ईसीजी हमें पढ़नी नहीं आती, हम ईसीजी उठाते हैं हमें कीड़े डले हुए नजर आते हैं, दिस इज वेरी ट्रू। देखिए, हमने जिंदगी में शायद ही कोई ईसीजी देखी हो, देखिए तो दो चार देखी होंगी, इस तरह नहीं ईसीजी आया करती। पहले आप समझते हैं, अभी इन वीडियो से अगर आप समझ रहे हैं, अभी भी एकदम से आपको पुल अप होके सारा का सारा नहीं होगा कि आपको एकदम से सब कुछ आ जाएगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से, इसके बाद मेरी जो अगली वीडियो होगी होपफुली उसमें मैं आपकी मतलब सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीट करा दूंगी। फिर आप ईसीजी देखें, आप इंटरनेट से उठा के देखें, और इवन आप मतलब उससे बेहतर होता है हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पेशेंट्स की देखें। व्हेन यू विल सी ईसीजी आप वहां पर चेंजेस देखेंगे और अपने सीनियर से पूछेंगे भाई यहां पर क्या चेंज है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे जो आपने पढ़ा है, देन आपको ईसीजी पढ़नी आएगी। अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, आई बेट यू आप कभी भी नहीं कर सकते। मैं यहां पर आपको बहुत सारी ईसीजी ला के दिखा दूं, लेकिन वो भी बहुत मतलब टाइम टेकिंग सा काम है, तो इट्स बेटर कि आपके पास सोर्स है, यू हैव हॉस्पिटल्स जहां आप जाते हैं, आप वहां ईसीजी जरूर देखें और आप देखें कि उसमें किस किस तरह चेंजेस आ रही हैं, ताकि आप उसको अप्रिशिएट कर सकें और बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जाहिर एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं आपको बता देती हूं, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको देखना तो आना चाहिए, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।